वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, टुडेज न्यू ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच हु आर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स वॉच द ब्लॉग एंड आई हैव वन रिक्वेस्ट, प्लीज कम्प्लीट द ब्लॉग। तो गाइज हम कल गए थे शाम को आइसक्रीम खाने, ऐसे ही बाहर निकले थे तो फिर आइसक्रीम भी हमने खाया। तो मैंने खाया वैनिला चॉकलेट एंड बेटी ने खाया स्ट्रॉबेरी प्लस वैनिला का पॉपकॉर्न और बेटू के बाबू ने खाया कुल्फी। तो हमने बहुत सारे मज़े किए, खर्चे तो बहुत ज़्यादा नहीं किए, ओनली 90 रुपीज़ में हमने बहुत सारा मस्ती किए, बहुत सारे खुशियाँ करे। तो जनरली हम आइसक्रीम खाते ही हैं लेकिन घर में खाते हैं, मेरे पति ला कर देते हैं आइसक्रीम, तो हम नॉट फॉर यू। तो हम बहुत दिन बाद आज गए थे आइसक्रीम खाते, क्योंकि मेरे सूट लेस को बांध के मेरे पति में आइसक्रीम बनी हुई थी और मेरा सूट का लेस खुल गया था, तो वो हेल्प कर दे मुझे टाई करने में, क्योंकि इतना सारा वैराइटीज़ था आइसक्रीम का। तो मैंने लिया ये पहले, उसके बाद मैंने फिर से ये आइसक्रीम लिया अपने लिए, क्योंकि बेटे को फुल आइसक्रीम चाहिए थी, वो है 3 साल की लेकिन उसको चाहिए। उसका अलग ही टेस्ट है, अमूल का आइसक्रीम हम ही खा रहे थे क्योंकि हम खूब सारे मस्ती किए। इसके बाद भी हम कहीं विजिट किए तो इसी ब्लॉग में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, प्लीज़ कंटिन्यू। तो देखिए फिर मैंने अंकल को थोड़ा टिश्यू पेपर भी मांगे क्योंकि बच्चे खा रही थी आइसक्रीम, बच्ची तो काफ़ी ज़्यादा शैतानी करके से खा रही थी, तो इधर उधर भी मतलब ड्रॉप कर रही थी, तो उसको पूछने के लिए मैं टिश्यू पेपर में लेके नहीं गई थी घर से, वहीं से आइसक्रीम वाले से भी लेना था। और देखिए किस तरह से चेयर्स करके खाई है बेटी, तो उसका आइसक्रीम काफ़ी गल चुका था, मतलब कि वो पापड़ी होता है वो थोड़ा ख़राब हो गया था, नरम हो गया था, मेरा पूरा कुरकुरे था। उसके बाद हम गए थे जूडियो जो कि टाटा का प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे, तो वो प्रेफर थे तो लव टाटा नगर जूडियो में हम अंदर गए। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे वैराइटीज रहते हैं और दाम भी अच्छा रहता है इसका, मतलब कि ठीक ठाक रहता है दूसरे के कंपेयर में, क्योंकि तो मॉल में सामान देखने से मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई रहता है प्राइस और सामान भी उतना प्यारा नहीं रहता, कलर्स उसके प्यारे नहीं रहते। यहाँ पे है फिर भी मुझे तो मैं कुछ ट्राई करी, ये मैं ऐसे ही मिरर में देख रही थी, तो मेरे पति पता नहीं ये वीडियो उल्टा कैसे हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिए, मतलब कि सॉरी फॉर दैट ये उल्टा कैसे हो गया है। सो होप यू डोंट हैव एनी इशू लिटिल बिट ऑफ वीडियो। तो ये शूज मैं पहले ही खरीद चुकी हूँ वीडियो से, और इसके बाद देखिए यहाँ पे सारे कलेक्शन था, और मेरे नेल पेंट कैसा लगा आपको बताइएगा, ये सारे कलर में से कौन से कलर मुझे लेना चाहिए। वीडियो मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, हम कभी भी जाके ले सकते हैं। तो देखिए ड्रेसी मतलब ट्राई करी थी कुछ ड्रेसेस, 2-3 ड्रेसेस, तो उसमें से मुझे एक ड्रेस अच्छा लगा। और इस बार जब घर गई थी हमारे गांव पर और हमारे शहर पे भी घर है, वहाँ पे जब गई थी तो उसका 6 कपड़े उसके आए हैं नया वाला, तो अभी हम लेना नहीं चाह रहे हैं, अभी भी कुछ नहीं भाई, 6 से भी ज़्यादा 7-8 टोटल कपड़े उसके वो ऑलरेडी हो गए हैं, 2 महीना भी नहीं हुआ। तो ये ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर और उसका डिज़ाइन, तो बाकी सब नॉर्मल था। देखिए ये पिंक और वाइट फीका फीका सा लग रहा था, तो ये भी वो पहनी थी बट उसको पसंद आया, बट मुझे थोड़ा मतलब नॉर्मल लगा, और इसमें थोड़ा सा लुक है आगे तरफ, लुक नहीं है लेकिन पीछे तरफ इसमें अलग लुक है, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन इस टाइप का फ्रॉक उसके पास पहले से ही है, बट यू हैव टू वेयर वाइट कलर का, बहुत सारा बटरफ्लाई है। उसके बाद हम आए इधर पे RTO के लिए, इधर पर आए, यहाँ पर ड्राइविंग सिखाता है, तो मेरे हस्बैंड का एडमिशन हुआ था, कार का ड्राइविंग मिला था। अभी हम बुलेट के लिए गए थे RCO के लिए, तो यहीं तक ही एक रात का डिनर था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल ब्लॉग एंड प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग माई ब्लॉग एंड सब्सक्राइब इफ यू नॉट सब्सक्राइब, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।